हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून और वेलकम टू इंडियन मॉम ज्योति। तो आज मैं अपना ब्लॉग कर रही हूँ आफ्टरनून से ही शुरू। और अभी मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि आरना ना सो गई है। स्कूल से आई थी 1 बजे, अभी उसने खाना भी नहीं खाया था तो वो जाकर सो गई है। और अभी जो है मेरे घर का एक भी काम नहीं हुआ है। अभी से हमने लंच किया है तो ये देखिए अभी मेरी जो किचन है मैसी हो रही है क्योंकि बर्तन साफ नहीं किए हैं। और आज मेरा टास्क है कि 60 मिनट में मुझे अपना किचन, लिविंग रूम प्लस बाथरूम ये वाला साफ करना है क्योंकि आरना के उठने से पहले। और सबसे ज़्यादा काम है मुझे बाथरूम में, तो आपको दिखा देती हूँ बाथरूम की हालत। ये देखिए, ये है मेरी बाथरूम की हालत। क्योंकि ये बाथरूम की हालत क्यों हुई है ऐसी, और आपको इसी जो है ना ये रहा, तो इसकी करवाई है आज हमने सर्विस। और थोड़ा सा चेक भी करवा दिया था ताकि कुछ रखा हुआ है मतलब कुछ ख़राब है, जैसे चूहे वगैरह लग जाते हैं तो के तार वार ना काट लिया हो। और गर्मी ये शुरू हो चुकी है तो हमने सोचा कि चलो इस बार करवा लेते हैं। अभी स्टैंड पे मतलब अभी लगवाया नहीं है, ठीक हो चुका है। इसमें गैस भी भरवाई थी तो वो भी भर चुकी है, बिल्कुल ठीक चल रहा है ये। तो हमने सोचा कि चलो करवा लेते हैं क्योंकि सीजन शुरू हो गया है। और फिर एसी वाले जो होते हैं ठीक करने वाले तो वो भी बिजी हो जाते हैं इतना कि वो ठीक से कर नहीं पाते, मतलब ठीक से करते भी नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो करवा लेते हैं। अब ये जो है एसी जो है इसी वाले रूम में लगेगा, पर 1-2 दिन में देखेंगे जब फ्री हो जाएंगे। इसलिए इस वाले रूम को भी मैं छेड़ नहीं रही हूँ क्योंकि फिर 1-2 दिन में दोबारा इसका काम शुरू हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड आज काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका शेयर मार्केट की जो है ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से आज उनका बंद है। तो आज वो छुट्टी लेकर बैठे हैं, वो ये बैठे। और हाँ, तो बस अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, तो चलिए काम करते हैं क्योंकि आरना सो रही है आरना। तो सबसे मैं इसको तो मैं सबसे लास्ट में करूँगी, तो पहले मुझे करना है अपना किचन का काम। और टीवी चल रहा है, गाने सुनते सुनते मैं अपना काम शुरू करूंगी। और लंच में मैंने बनाया था आज गोभी आलू की सब्जी। ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये देखिए गोभी आलू की सब्जी बनाई थी। और दूध था तो ये ठंडा हो गया है, इसको भी भर के रखना है। और भिंडी है तो धो के रखी थी, सूख चुकी है, देखूंगी कल बनाती हूँ, शाम को तो कुछ और बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए काम कर लेते हैं। स्टिकर अच्छा लग रहा है ना, चलिए काम लग कर लेते हैं क्योंकि मुझे मैंने ही 60 मिनट का टास्क लिया है। और लैपटॉप कंप्यूटर दे रखा हो क्योंकि काम चल रहा था ना, कहीं कुछ खराब वराब ना हो जाए तो इन्होंने इधर ही रख दिया था। ठीक है, अब बातें बाद में करते हैं, पहले काम करते हैं। शुरुआत मैं अपने ना किचन से ही शुरू कर रही हूँ। और जो थोड़ी सी गोभी आलू बच गई थी ना, तो उसको मैंने एक छोटे से कंटेनर में रख के उसको फ्रिज में मैंने रख दिया है। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ, आप सबको मैंने पहले भी बताया था और इसके ऊपर एक मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि हम अपना किचन 30 मिनट में कैसे साफ़ कर सकते हैं। अगर आप सबने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दिखाऊंगी नहीं, तो बस अभी सारा चीज़ जितने भी गंदे बर्तन है उसको सिंक में डाल के और काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो बस अभी जितने भी गंदे बर्तन है वो सब सिंक में आ गए हैं और अब जाके मैं कि बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। और ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन थे, तो जो कि मैंने एक छोटी सी बास्केट बनाई हुई है। अगर थोड़े बर्तन होते हैं तो उसके लिए मैं थोड़े ही बर्तन इसमें रखती हूँ, अगर मेरे ज़्यादा बर्तन होते हैं तो बड़ी वाली टोकरी यूज़ करती हूँ। तो चलिए अभी मेरा जो किचन का काम है वो ख़त्म हो गया है, अब यहाँ की लाइट बंद करके और जाती हूँ मैं लिविंग रूम में। थोड़ा सा सामान जो होता है ना वो थोड़ा सा इधर से उधर रहता है, तो वो मैंने उठा के रख दिया है। और अब मैं रख रही हूँ सारे पायदान उठाकर, क्योंकि झाड़ू नहीं लगाऊंगी, टाइम इतना है नहीं, तो मैं सीधा पानी डाल के वाइपर से ही साफ़ कर दूंगी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है, जब भी मेरा काम जो होता है लेट तो मैं ऐसे ही करती हूँ, और या फिर जब मेरे मशीन लगती है मतलब कपड़े धोती हूँ, या मैं तब ऐसा यूज़ कर ऐसे काम करती हूँ। तो अभी जो है थोड़े से मेरे हस्बैंड बैठे थे तो अब मैं सफाई करने बैठी हूँ, तो फिर अच्छे से ही करूँगी। तो ये जो इसके कवर है सोफ़े के, तो इसको भी मैं अच्छे से झाड़ के अच्छे से बिछा रही हूँ।
तो चलिए फटाफट से ये भी कर लेती हूँ। और पानी से साफ़ करके पहले मैं सारा फर्श को धो देती हूँ, मतलब पानी से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं करूँगी मोपिंग। और अभी जो मेरा गला था ना, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ख़राब हो गया है, क्योंकि मैंने ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा गला जो है थोड़ा ख़राब हो गया है। चलिए फटाफट से मैं एक काम करती हूँ। पूरे घर में मोपिंग हो गई है। अब मेरा लास्ट का काम जो रहता है वो है बाथरूम को साफ़ करना, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, मैंने आपको दिखाया ही था। तो सबसे पहले जाकर मैं बाल्टी भरूँगी, और उसके बाद जाकर फिर जो भी आपको फर्श पे काला काला दिख रहा है ना, तो उसको पहले मुझे साफ़ पानी से उसको साफ़ करना है। और मैंने स्लीपर डाल ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो चलिए पहले मैं इसको फटाफट से साफ़ करके, और एक जो रेड कलर का हारपिक होता है ना, जो फर्श को क्लीन करता है, हारपिक ही बोलते हैं शायद, तो उससे मैं एक बार डालकर अच्छे से मैं झूने से रगड़ दूंगी। मैंने उसका एक अलग सा झूना रखा हुआ है फर्श साफ़ करने का, क्योंकि आप देख सकते हो जो बाथरूम है ये वाला पूरा वाइट है, और थोड़ा सा भी अगर गंदा लगता दिखता है ना, तो बहुत ज़्यादा ही गंदा लगता है देखने में। तो इसको ही मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, और रोज़ ही मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि वाइट है, वाइट को थोड़ा सा भी हम रोज़ साफ़ करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से चमक जाता है। तो देखिए मैं इस तरीके से मैं इसको रोज़ साफ़ करती हूँ अपने बाथरूम को, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है ये। तो बस अभी जो मेरे बाथरूम है ये भी साफ़ हो चुका है, और अब मैं बस गीज़र चलाकर नहाने के लिए जाना है। अब ठीक है, आना उठ गई है, और देखिए बस 15 मिनट थोड़ा सा ऊपर हो गया है, बिल्कुल सही टाइम 4 बज रहे हैं। तो आना उठ गई थी, फिर उसको थोड़ा सा लाड प्यार किया, जैसे हर माँ बाप करते हैं, हर माँ करती है, तो वो जूस पी रही है, बैठती पी रही है, आराम से पीना। वो देखिए ये बैठी, उठ गई थी और बिल्कुल साफ हो चुका है, तो मैं नहाने जा रही थी, मैं सोचा अपना वीडियो बैंड करती हूँ। देखिए बिल्कुल बाथरूम बिल्कुल क्लीन हो गया, इतना टाइम लगा है ना बाथरूम में, जल्दी 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 किया कि आना ना उठ जाए, क्योंकि उसका टाइम हो गया था सोने उठने का, फिर भी 15 मिनट हो गया ऊपर, बट कोई नहीं, 1 घंटा हमें 60 मिनट लगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। और ये वाला जो रूम है ना, इसमें से मैंने अभी क्या करा है कि नीचे नीचे से साफ कर दे, ताकि थोड़ा सा साफ लगे, चलने लायक बन जाए। और क्या नाम है उसका, पी लिया आपने, एक पी लिया आपने। और बालकनी जो है ना, क्योंकि वहीं पर रखा हुआ था एसी, और तो बालकनी की हालत बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, तो मैं इसको कल करूंगी। ये देखिए कितनी गंदी हो रही है ना, क्योंकि यहीं पर रखा था, पहले उसको चेक किया कि कैसा चल रहा है कुछ, इसलिए तो बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, इसको मैं कल ही करूंगी, अभी तो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, नहाने जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और पकड़ो किचन में रखे हो बेटा, चलिए बाय बाय, टेक केयर, है ना, बाय बाय, से बाय बाय, कहाँ गए, बाय बाय। आज आने ने ना अपना रात रात वाला ही नाइट सूट पहन लिया, कह रही इसका ये न्यू मैं लेकर आई थी,
गर्मी का है क्योंकि गर्मी आ चुकी है ना। हाँ ये देखो, और रात में तो हमने पंखा भी चलाकर सोए थे। चलिए बातें ज्यादा हो गई है, बाय बाय, नहाने जा रही हूँ मैं, पानी गर्म हो रहा है। बाय बाय।